बात है, मैं सुबह 5 बजे से लगातार जब से बारिश शुरू हुई तब से लोगों के संपर्क में हूँ और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई किसी तरह की जनहानि नहीं हो। शहर का बहुत बुरा हाल कर रखा है, सीवरेज PHD की लाइनें, सीवरेज की लाइनें, और जहाँ देखो वहाँ शहर खुदा पड़ा है। नालों की सफाई नगर परिषद द्वारा समय पर नहीं करने से ये हालात पैदा हो गए। लोग अभी जहाँ यहाँ हम आए हैं, यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे कोई भी कैजुअलिटी हो सकती थी, या आके देखना चाहिए था नगर परिषद को। अगर ये अतिक्रमी है तो या तो इनको सुरक्षित स्थान पे बिठाते, या अतिक्रमी है तो नोटिस देके इनको हटाना चाहिए था, नहीं तो ये आज वाली स्थिति पैदा नहीं होती। इन गरीब लोगों के सारी छोटी छोटी झोपड़ियाँ दब गई। और उसके बाद में इंतजार के बाद में अलर्ट ने इसकी दिखी नहीं। हमने SDM साहब ने भी 1 महीना पहले हमने मीटिंग बुला के उनको बोल दिया था कि शहर के सारे इनकमिंग सोर्सेज हैं, नाले हैं, उनकी सफाई करो, पर नगर परिषद सुध लेने को तैयार नहीं थी इस बात की। अगर वो समय पे नाले साफ हो जाते तो शायद शहर के हालात ये नहीं होते। ये छोटी मोटी जो घटनाएं हैं, ROB के लेके भी आज प्रॉब्लम आ गई, जहाँ ROB बनी हुई है परासिया फाटक के पास, रेलवे द्वारा सही तरीके से डिस्पोजल पानी का नहीं करने की वजह से आज वहाँ भी बहुत सारे घर पानी में डूब, कम से कम 50 बीघा का एरिया है जो 3-3, 4-4 फुट पानी में डूबा हुआ है। अभी हम SDM साहब, मैं, कमिश्नर वहाँ जाके उसको तुड़वा के रास्ते को और पानी का रास्ता खुलवाया। आज सवेरे से आप कहाँ जाके आए, क्या क्या? मैं बहुत जगह जाके आ गया हूँ। मैं तिलक नगर, RK कॉलोनी, ये परासिया फाटक पे, मयूरा टाउनशिप में, और ये हाउसिंग बोर्ड कच्ची बस्ती, और अब लगातार आज सारे दिन इसी काम में लगे हैं। हम कोशिश करेंगे कि चाहे जितने भी संसाधन लगाने पड़े पर शहर के कॉलोनियां नहीं डूबे, किसी तरह की जनहानि नहीं हो। मैं सभी से इस चैनल के माध्यम से पूरी जनता से भी आग्रह करूंगा, किसी भी तरह का के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी कदम हैं एहतियात के हम लोग उठा रहे हैं, प्रशासन पूरा एक्टिव है और मैं लगातार इसमें पूरा मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ खुद अपने आप जाके, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है इसको सुधारने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर मैं इसको बहुत जल्दी ठीक कर दूँगा। रसद की व्यवस्था, आज इनका आटा जो घर का खाने का सामान था सारा डूब गया है, तो करीबन 250 लोग हैं, तो मैंने मेरी तरफ से एक बार इनके अभी सुबह के खाने की व्यवस्था कराई है। शाम का हम देखेंगे किस तरह खाने की व्यवस्था होती है। कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई परेशान नहीं होगा। जहाँ तक कोशिश है मैं किसी NGO से ले लूँगा और किसी से ले लूँगा, पर मेरी जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। जनता से आग्रह है संयम रखे, ये अचानक बारिश आई है इस वजह से भी हुआ है, कुछ कहीं ना कहीं नाकामियाँ थी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उसकी वजह से भी परेशानी आई है, पर हम सब मिलकर इसको ठीक करेंगे। पहली बारिश जो किशनगढ़ में हुई है 97 mm हुई है, जो नियर टेरेबल होती है, इस वजह से हालात थोड़े से ज्यादा जितने हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे उतने बुरे हो गए हैं। फिर भी कलेक्ट्रेट पे, कलेक्टर लेवल पे, उपखंड में, मेरे लेवल पे हमने बाढ़ के नियंत्रण के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्ष और सारे विभागों को इस चीज के लिए प्री प्रिपेयर होने के लिए बुलाया था और उनको ये एहतियात बरतने के लिए कहा था कि ऐसे कोई भी खंडर नुमा अगर जगह है तो उनको पहले से ही, अगर उनको ध्वस्त करने की जरूरत है उन्हें ध्वस्त किया जाए, नाले हैं तो नालों की सफाई हो, नेम लिस्टिंग करके उनके नालों की सफाई हो, किंतु नगर परिषद द्वारा ये काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज शहर इस चीज का खामियाजा भुगत रहा है। इनसे कहा गया TP अगर ऐसे कोई लोकेशन है जहाँ पे लोग बसे हुए हैं तो उनके लिए भी दूसरा लोकेशन फाइंड आउट करें, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है हम उनको विस्थापित कर सके। तो ये इनकी तरफ से जो एक्सरसाइज थी वो नहीं हुई है, इसके लिए हम नगर परिषद को नोटिस आज ही जारी करने वाले हैं, और प्लस ये 3 दिन की हमारी एक सघन एक्सरसाइज रहेगी कि पूरे शहर की मैं खड़े होके नगर परिषद को बुला के सारे नाले साफ करवाऊंगी, और भी जो भी हमको एहतियात बरतनी है, विधायक साहब हमारे साथ में है, नगर परिषद से हम पूरा सहयोग लेंगे, और भी हमें जिस तरह की भी जो भी जरूरत पड़ी होगी वो हम पूरी कंडीशन जो भी सुधारने के लिए हमें करना होगा वो हम करेंगे, और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लोगों के लिए जितना बेस्ट पॉसिबल हम कर सकेंगे वो करेंगे। दूर क्षेत्र में ही बस्ती है तो नगर परिषद कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो रही होगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं ये चीज को पहले ही पॉइंट आउट कर चुकी हूं।